हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक खास चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब फर्स्ट टॉपिक है इसमें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या? श्वास, श्वास का आना जाना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है और इसमें ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका? ऑक्सीजन का। और ATP मॉलिक्यूल में फॉर्म होती हैं एनर्जी के फॉर्म्स में। ATP क्या होता है? एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ब्रीथिंग देखिए, ब्रीथिंग इज अ सिंपल प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑफ गैस बाय नोस्ट्रिल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा में कन्फ्यूजन होता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। तो रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है, बट ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें आपका ऑर्गन्स का यूज़ होता है। और रेस्पिरेशन में आपके ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इसमें आपके इंटरली जो ऑर्गन्स होते हैं उनका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस करता है और 38 ATP आते हैं। ठीक है, यहाँ से 36 ATP यूज़ हो जाते हैं और 2 ATP वेस्ट होता है ब्रीदिंग के फॉर्म में। ठीक है, जो ब्रीदिंग होती है उसमें भी एनर्जी लगती है और वो एनर्जी यहीं ATP से ही मिलती है और वो 36 में से 2 ATP यूज हो जाती है ब्रीदिंग में। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। मींस कॉम्बिनेशन मींस ऑक्सीजन का जलना और CO2 का प्रोड्यूस होना, और ये वेरी स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट किसी भी एक एडल्ट का मिनिमम होता है 16 times और मैक्सिमम होता है 18 times पर मिनट। अब टाइम फॉर सिंगल ब्रीथ मीन्स एक बार श्वास लेने में कितना टाइम लगाता है? 3 to 4 seconds। एक इन्फेंट, जो छोटा बच्चा होता है, उसका ब्रीदिंग रेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसका छोटा हार्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी फास्ट होता है, इसलिए ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, 28 to 30 times, विच इज़ 2 times देन एडल्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गेंस। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गेंस कौन कौन से होंगे? ह्यूमन बींग्स में, आपके मैमल्स में और बर्ड्स में लंग्स हो जाते हैं, फिश में गिल्स करते हैं काम, अर्थवर्म में स्किन का काम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इंसेक्ट, कॉकरोच एंड ग्रास ऑपर में, ट्रैकिल्स, ट्रैकियाज एंड स्पाइरिकल्स। ठीक है, इन फ्रॉग में क्या होता है? टाइपोड में आपके गिल्स होते हैं, बट एडल्ट होते ही इन स्किन और लंग्स का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी किस तरीके के? 2 types के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक में आपके ऑक्सीजन का यूज़ होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। देखिए जैसे पढ़ते हैं, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन के यूज़ में ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होता है, और ह्यूमन बींग, एनिमल्स एंड प्लांट्स में ये होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनएरोबिक। एनएरोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ओनली ईस्ट में। ठीक है, जो आप एक्सरसाइज करते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो भी एक एनएरोबिक एक्टिविटी है, जिसमें आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ, इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म बाय फर्मेंटेशन। जो शराब बनाते हैं उस टाइम पे इथाइल अल्कोहल भी प्रोड्यूस होती है, और वो भी एनएरोबिक में, इसीलिए सड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, और ये भी डिपोजिशन होता है मसल्स में, विच कॉज पेन, और ये भी क्या होता है? हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, और ये भी क्या है? एक एनएरोबिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स में क्या है? ह्यूमन लंग्स में आपका प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड्स होता है। ठीक है, 1 pair ऑफ ह्यूमन बींग इज प्रेजेंट इन ह्यूमन, और हाईली इलास्टिक मीन्स दबाने पर यह दोबारा अपनी शेप ले लेता है। लंग्स इज इनक्लोज बाय टफ मैम्ब्रेन कॉल्ड प्योरल मैम्ब्रेन। ठीक है, लंग्स इज अनइक्वल इन साइज मीन्स एक छोटा और एक बड़ा, और आपका जो लेफ्ट है वो स्मॉलर होता है देन राइट। ठीक है, ट्रैकिया इज कॉल्ड द विंड पाइप। हमारी बॉडी में ट्रैकिया को क्या बोला जाता है? विंड पाइप। लंग्स इज सेपरेटेड बाय ब्रोंकीज। ठीक है, ब्रोंकाइस। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स कंटेन मेमरस एयर सैक। एयर सैक मीन्स एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, और उसको हम बोलते हैं एल्वोलाई, और उसी के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, मीन्स डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज होता है। इन ह्यूमन बींग्स अ वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लायरिंग्स, एंड बर्ड में उसी वॉइस बॉक्स को क्या बोला जाता है? सायरेनिंग्स। ठीक है,
नेक्स्ट एस्थमा। एस्थमा क्या है? एक डिसीज है, एक तरह की एलर्जिक रिएक्शंस है, और वो किस तरीके के? ड्यू टू द हिस्टामिन। ठीक है, एक हिस्टामिन प्रोसेस है, इसके थ्रू एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं और उसी को ही एस्थमा बोला जाता है। एस्थमा एक डिसीज़ नहीं है, ठीक है, ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शंस है, और इसके लिए हम ड्रग का कौन सा यूज़ करते हैं? एंटी हिस्टामिन। ठीक है, एनसाइफेम। ठीक है, एंजाइमा डिसीज़ क्या होता है? एंजाइमा डिसीज़ होता है कॉज बाय पॉल्यूशंस। ठीक है, पॉल्यूशन और स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे तो एंजाइमा हो जाता है। ठीक है, लंग्स लूजेज इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लूज कर देता है इस डिसीज़ में, एंजाइमा में। ठीक है, और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ तार। ठीक है, आपने जो एड देखी होगी तार को टोबैको की, उसमें तार निकालता है, वही एक तरह का तार होता है जो स्मोकिंग में लंग्स में डिपॉजिट होने लगता है और वो इलास्टिसिटी खो देता है। ठीक है, सफ़र, पर्सन सफ़र फील सफोकेटिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग, मींस सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, दैट इज़ कॉल्ड एनसाइमा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं तक, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू गाइस।